हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड आकांक्षा का सेकंड राउंड का एग्ज़ाम कल होगा। आज 24 जून है, कल 25 जून को आकांक्षा सेकंड राउंड का एग्ज़ाम होने वाला है। आकांक्षा सेकंड राउंड में वही बच्चे एग्ज़ाम देंगे जिनका सिलेक्शन पहले चरण में हो चुका है। तो जो अपडेट है, जो न्यूज़ है, उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, आपका सेंटर कहाँ दिया गया है। जितने लोग भी क्वालिफाई किए हैं फर्स्ट राउंड में, आपका फ़ोन में मैसेज आया होगा कुछ दिन पहले, चेक कीजिएगा, वहाँ पर सेंटर आपको मिल जाएगा और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। सब कुछ मैं बताऊँगा, पहले हम लोग चलिए न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। देखिए, आकांक्षा की परीक्षा कल रांची में बनाए गए 3 सेंटर। देखिए, रांची वरीय संवाददाता राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम सत्र 2023-25 में नामांकन के लिए दूसरे चरण की परीक्षा रविवार को होगी। परीक्षा के लिए रांची में 3 केंद्र बनाए गए हैं। जो रविवार को एग्ज़ाम होगा उसमें रांची में 3 केंद्र बनाए गए हैं। पहला देखिए, मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय जिला स्कूल और बालकृष्ण प्लस टू उच्च विद्यालय में परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। इस परीक्षा में पहले चरण की परीक्षा के आधार पर चयनित 859 विद्यार्थी शामिल होंगे। सिर्फ 859 ही शामिल हो सकते हैं जो पहले चरण में पास किए हैं। परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक केंद्र में पहुंचने का निर्देश दिया गया है। साथ में जेक द्वारा जारी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड, और अपने साथ पकड़ कर चलना है, और अपना आधार कार्ड भी ले लीजिएगा। ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको आपका एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा OMR शीट पर होगी। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जैसे फर्स्ट चरण में हुआ था, ठीक है, पहले चरण में जैसे हुआ था उसी तरीके से होगा। आकांक्षा के तहत राज्य सरकार गरीब मेधावी विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराती है। आकांक्षा के राज्य समन्वयक VK सिंह ने बताया कि इंजीनियरिंग में 75, मेडिकल और क्लेट के लिए 50-50 सीटें तय हैं। तो देखिए कितना सीट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, टोटल पास हुए हैं लगभग, इसको हम लोग 850 मान सकते हैं लगभग, ओके 850 है, और उसमें से 75 और 50-50 यानी कि टोटल 175 का ही सिलेक्शन होना है। तो कंपटीशन तो टफ रहेगा। देखिए, इससे पहले चरण में परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट बनाई गई, जिसमें इंजीनियरिंग के लिए 375, मेडिकल के लिए 250 और क्लेट के लिए 232 विद्यार्थियों को चयनित किया गया। यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग के लिए 375, उसमें से सिर्फ 75 का एडमिशन होना है, 300 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल में 250 को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से सिर्फ अभी 50 को सिलेक्ट करना है, और क्लेट में 232 को सिलेक्ट किया गया था, उसमें से अब जो सेकेंड राउंड एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ 50 का सिलेक्शन होना है। तो यही है आज का न्यूज़। जितना जल्दी हो सके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, सेंटर देखिए, और सुबह 9 बजे से पहले पहुंचने का कोशिश कीजिएगा आप अपना सेंटर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 9 बजे आप पहुंचिएगा तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए सेंटर पहुंचकर, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छा लगेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो कितने लोग सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग डाउनलोड कर लिए हैं अपना एडमिट कार्ड कमेंट करके बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अभी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ इसलिए आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा, इसलिए कुछ दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सभी को, जितने भी बच्चे सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। कंपटीशन तो है, आपको इसको फेस करना पड़ेगा, सोच समझ कर और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। हैव ए गुड डे।